दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच 5वां टेस्ट मैच अब से बस कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। तो ऐसे में ये दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों इससे पहले इन दोनों ही टीमों के बीच 4 टेस्ट मैच 2021 में खेले गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से 5वां टेस्ट नहीं हो पाया था। इस वजह से 5वां टेस्ट मैच अब करवाया जा रहा है और ये टेस्ट मैच 1 जुलाई को एज वेस्टर्न क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में खेला जाएगा और ये मैच दिन में 3 बजे शुरू होगा। जहां इस सीरीज में अब तक भारतीय टीम ने 2 मैच जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने केवल 1 मैच जीता है और 1 मैच ड्रॉ रहा था। ऐसे में भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी है और ऐसे में अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती है तो फिर भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लेगी और ऐसे में इस मैच में ये दोनों ही टीमें अपनी तगड़ी प्लेइंग 11 इस मैच में खेलने उतारने वाली हैं। लेकिन इससे पहले इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच टेस्ट इतिहास में अब तक टोटल 130 मैच खेले गए हैं, जिसमें से इंग्लैंड की टीम ने 49 मैचों में जीत हासिल करी है, तो वहीं भारतीय टीम 31 मैच जीत पाई है, वहीं 50 मैच ड्रॉ रहे थे। जहां आंकड़ों में एक तरफा इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय टीम ने इस टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में भी अपना पूरा दमखम बिखेरने वाली है और ऐसे में अब बात करें इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तो पहले बात करें इंग्लैंड की और इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए एलेक्स लीस और जैक क्रॉली ओपनिंग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, कप्तान बेन स्टोक्स और सैम बिलिंग्स मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं गेंदबाजी में जिमी ओवरटन, मैटी पोट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीच इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। तो अब बात करें भारतीय टीम की तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए मयंक या रोहित शर्मा से कोई एक खिलाड़ी 1 नंबर पर खेलता दिखाई देगा। वहीं दूसरे नंबर पर शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। ऐसे में आखिरी टेस्ट मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये आखिरी टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।